आज की वीडियोस में मैं करने वाला हूँ, ये बोया का M1 माइक है, जो कि आप कैम रिकॉर्डर या कैमरा DSLR जो होता है उसमें, लैपटॉप में या स्मार्टफोन में, आप किसी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छा आता है। मैं अभी तो ये माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये है मोनो का माइक जो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने इसे काफ़ी पहले से लिया हूँ, मोनो का है ये। इसकी भी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। मैंने आज तक का जितने भी वीडियोज़ बनाया अपना, सब में मैंने मोनो का माइक यूज़ किया है, बट आज मैंने बोया का M1 माइक को अनबॉक्स करने वाला हूँ और मैं देखूँगा कि ये जो मोनो का माइक है और ये बोया का माइक है, इसमें दोनों में साउंड क्वालिटी की क्या फ़र्क है, कौन सा बेहतर है। क्योंकि ये माइक तो 250 रुपये की आ जाती है और ये माइक है 800 रुपये की, 797 रुपीज़ की ये माइक है बोया M1, और ये माइक 250 रुपये की आसपास की आती है, और मतलब कि 300 से नीचे नीचे का आ जाता है। इसकी भी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अब तक के मैंने जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड करा, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, सारी वीडियोस मैंने मोनो के माइक से रिकॉर्ड किया हूँ, बट आज मैं M1 को चेक करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। मैं इसको एक साइड से इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ से इसको करता हूँ अनबॉक्स, देन यहाँ से ये खुल चुका है गाइज। मैं इसको नाइफ को साइड में रखता हूँ और ये देख सकते हो मेरा ये इनवॉइस स्लिप है, ये आ गया मुझे मेरा इनवॉइस स्लिप, देख सकते हो मुझे। मैं यहाँ से निकालता हूँ बोया M1, ये देख सकते हो गाइज बोया का M1 माइक है ये, इसमें बाकी और कुछ नहीं है। मैं इसको साइड में रखता हूँ और मैं अब इसको अनबॉक्स करूँगा, जिसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी ये खुला हुआ लग रहा है, शायद यहाँ पे कोई सील वगैरह नहीं था। मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, देन गाइस इसको मैं ओपन कर लिया। ओ गाइस ये आया निकल के, ये है इसकी वारंटी कार्ड, शायद वारंटी कार्ड पे कोई कुछ भरा हुआ नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इनवॉइस स्लिप है ना, मैंने यहाँ पे रखा, आपको देख सकते हो जो ये इनवॉइस स्लिप है, सारा काम आपका उसी से हो जाएगा। इसका 1 ईयर का वारंटी आता है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ये इसी स्लिप से हो जाएगा आपका सारा काम। अगर ये भी आपका खो जाता है तो आप ऑनलाइन ही इस इनवॉइस स्लिप को डाउनलोड कर सकते हो, फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन किसी से भी आप ऑर्डर करे हो तो ऑनलाइन इस इनवॉइस स्लिप को आप डाउनलोड कर सकते हो और आप अपना वारंटी का फ़ायदा, जो वारंटी मिला हुआ है आपको, उसका फ़ायदा ले सकते हो। बट ऐसा ना हो, ये है आपका वोया M1 का यूज़र मैनुअल। मैं भी इसको इसी में डाल देता हूँ और मैं इसको भी इसमें डाल देता हूँ, वारंटी कार्ड को भी इसमें डाल देता हूँ और मैं इसको साइड में रखता हूँ। इसके साथ ये दो लोगो आया हुआ है, देख सकते हो बोया M1 का ये स्टिकर है, सॉरी लोगो मैं बोल रहा था, ये स्टिकर है बोया का, देख सकते हो यहाँ पे बोया का ये स्टिकर है। मैं इसको भी साइड में रखता हूँ अभी और मैं निकालता हूँ ये अपना माइक। ये देख सकते हो गाइज ये है माइक, यहाँ पर अभी कुछ चीज़ का जो फॉर्म वगैरह का टाइप में आता है वो नहीं है, और इसका देख सकते हो यहाँ पे है, इस ये खुल जाता है, इसमें बैटरी वगैरह डालना पड़ता है। मैं खोल करके देखता हूँ क्या इसमें कुछ है भी या नहीं है, बैटरी वगैरह डाल करके आया या नहीं आया। इसमें बैटरी वगैरह नहीं है, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे खाली पड़ रहा है, देख सकते हो खाली पड़ा है यहाँ पर स्प्रिंग। मैं इसको वापस से यहाँ टाइट कर देता हूँ, यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो माउस को आप, अगर कैमरा में करना है आपको तो यहाँ कैमरा पर ऊपर कर दोगे और यहाँ पर बीच में ऑफ हो जाएगा, नहीं नीचे कर दोगे तो ऑफ़ या स्मार्टफोन, अगर आप इसे ऑफ़ कर देते हो तो ये स्मार्टफोन में ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा स्मार्टफोन या लैपटॉप वगैरह में। लेकिन अगर आपको कैमरा का यूज़ करना है तो इसमें आपको बैटरी भी डालना पड़ेगा और कैमरा ऊपर करेंगे ऐसे, देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका वायर काफ़ी बड़ा है, आप अगर कितना भी दूर से वीडियो शूट कर रहे हो तो आप इसका वायर का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बड़ा वायर लग रहा है मुझे। तो फिलहाल मैं इसको रखता हूँ अभी साइड में और क्या है अंदर इसका देख लेते हैं। और इसका बैटरी भी है गाइज यहाँ पर एक, इसमें है यहाँ पे एक कॉलर पिन, कॉलर पिन एक आया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कॉलर पिन, ये देख सकते हो आप, ये निकल भी जाता है, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो गाइस ये निकल जाता है कॉलर पिन, सेम उसी तरह है ये भी कॉलर पिन ये, लेकिन मेरे से ये हैवी है, मैं इसको वापस से लगा देता हूँ। तो ये कॉलर पिन है, मैं इसको वापस से अपने अंदर लगा लेता हूँ साइड के अंदर। एक और ये जैक दिया हुआ है, अगर आप एम्पलीफायर वगैरह में यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे कर सकते हो, इसको लगाएंगे। और ये जो है M1 का ये जो पिन है इसको इसके अंदर लगा देंगे, ये बैठ गया, और इसको एम्पलीफायर के अंदर लगा करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं इसको निकाल देता हूँ अभी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको सेट करता हूँ
कैसे सेट करना है आप अच्छे से एक बार देख लेना, आपको दूसरे वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका कॉलर पिन है गाइस, काफ़ी ऐसे देखने में हेवी लग रहा है बट काफ़ी लूज़ है ये, तो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है मुझे, बट कोई ना देखते हैं। सबसे पहले आप इसको इसके अंदर डालोगे और इसको आप ऐसे लगा दोगे। देखो गाइस ये लग चुका है बोया का M1 माइक, जो अभी तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। इसका बैटरी भी था जो मैंने अभी पता ना कहाँ पर, हाँ यहाँ पे इसकी बैटरी भी है, बैटरी को आप अंदर लगा सकते हो, बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद बिना बैटरी का ये अभी यूज़ में आ जाता है स्मार्टफोन के लिए। अब देखना है हमें इसी साउंड क्वालिटी की, हमें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें देखना है इसकी साउंड क्वालिटी कैसा है। तो गाइस मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ अपना ये फ़ोन, अभी गाइस मैं बोया का M1 जो है कनेक्ट कर लिया हूँ, ये देख सकते हो आप मेरे स्मार्टफोन से ये कनेक्टेड है, देख सकते हो स्मार्टफोन से वो क्या आ रहा है। इसका पिन मैं निकाल दिया हूँ, वो जो मोनो का मेरा माइक है, और मैं अभी बोया वाले माइक से बोल करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने स्मार्टफोन में। तो गाइस आप देख लेना इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। वैसे गाइस जब मैं इसको यूज़ कर लूँगा तो बोया M1 वर्सेस मोनो माइक ज़रूर मैं अपलोड करूँगा एक वीडियोस, दोनों को मैं कंपेयर करूँगा कौन बेहतर है, क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा है उसका कम है, तो प्राइस का ऑब्वियसली डिफरेंस पड़ेगा ही, लेकिन अगर प्राइस का डिफरेंस आ रहा है तो साउंड क्वालिटी तो M1 का बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बेहतर M1 काफ़ी ज़्यादा पैसा ले रहा है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।